स्वामी विवेकानंद, ये नाम सुनते ही हमारी आंखों में एक नौजवान सन्यासी के कुछ चित्र उभर आते हैं। वो सन्यासी जिसने गुलाम भारत को आजादी के साथ सोचना सिखाया और जिनके विचारों ने लाखों क्रांतिकारियों को जन्म दिया। कुछ शब्द अचानक हमारे कानों को छूने लगते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। You cannot believe in God until you believe in yourself, and the list is endless. स्वामी विवेकानंद इंडियन फिलोसफी का निचोड़ है, कंप्लीट एक्सट्रैक्ट, और इसीलिए आज AI के युग में भी वो पूरी दुनिया के लिए एक गाइडिंग लाइट बने हुए हैं। स्वामी जी हम सबके आइडल हैं। हम अक्सर रील्स, पोस्ट और इंस्टा स्टोरीज में स्वामी जी के कोट्स यूज करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, लेकिन साइबर स्पेस की प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उस पर विचार करने का समय बहुत कम। तो होता ये है कि हम शब्दों की भूल भुलैया में अपने मतलब की बातें चुन नहीं पाते। वो थॉट्स जो सचमुच हमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कहीं भीड़ में खो जाते हैं, उन पर हमारी नज़र ही नहीं जाती। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है वहीं सोल्यूशन भी है। अगले कुछ मिनट्स मैं आपके साथ स्वामी विवेकानंद से जुड़े वो इंसिडेंट्स और विचार शेयर करूंगा जो मैंने सैकड़ों पन्ने पढ़कर क्यूरेट किए हैं। एक एक घटना में आपके जीवन को 180 डिग्री बदल देने का पावर है। एक बार एक नौजवान स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और उनसे रिक्वेस्ट की, स्वामी जी मुझे भगवद गीता पढ़ा दें। स्वामी जी ने उसे बड़े ध्यान से देखा और कहा, अगले 6 महीने तक हर दिन सुबह शाम फुटबॉल खेलो, फिर मेरे पास आना, मैं गीता पढ़ा दूंगा। स्वामी जी की बातें सुनके वो आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, स्वामी जी गीता और फुटबॉल में क्या कनेक्शन है? मुझे गीता समझने के लिए फुटबॉल खेलना क्यों जरूरी है? स्वामी जी मुस्कराए और बोले, कनेक्शन है, बड़ा गहरा कनेक्शन है। गीता वीरों का शास्त्र है, वो डिस्कोर्स है जो एक एनलाइटेंड गुरु ने अपने वॉरियर शिष्य को दिए। अर्जुन वीर ना होता, तन और मन से मजबूत ना होता, तो भगवान उसे गीता का उपदेश कभी नहीं देते। गीता का एक एक शब्द बुलेट की तरह असरदार है, लेकिन जंग खाई हुई बंदूक से बुलेट चलेगी कैसे? कमजोर शरीर और टूटे हुए मन से गीता प्रैक्टिस कैसे करोगे? और नहीं कर पाओगे तो बोलोगे, अरे कुछ नहीं रखा है गीता में, मैंने ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। तुमसे कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र में कमी है, तुम शास्त्र के लिए तैयार नहीं थे। तो पहले एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड अचीव करो, फिर गीता पढ़ो। कितनी बड़ी बात है। हम जिंदगी से कामयाबियों की अंधाधुंध बरसात मांगते हैं, लेकिन उस बारिश को संभालने के लिए हमारे पास ना कोई डैम है, ना कोई रिजर्वायर है, एक बाल्टी लेके बैठे हुए हैं। और प्रकृति बड़ी स्मार्ट है, उसे सब दिखता है। नेचर को पता है कि बरसना वही है जहां बारिश संभालने की तैयारी है। अपने एम्बिशंस बड़े करने से पहले अपनी क्वालिफिकेशंस बड़ी कीजिए, अपना प्याला बड़ा कीजिए। ये कॉस्मोस सफलता का समंदर उठा के आपकी हथेलियों पर रख देगा। '93 में स्वामी जी शिकागो गए थे और ऐसा स्पीच दिया था जिसे दुनिया के ग्रेटेस्ट टॉक्स में गिना जाता है। मैं उस स्पीच पर एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा ज़रूर। तो हुआ ये कि उस डिस्कोर्स के बाद स्वामी विवेकानंद को पूरा अमेरिका पहचानने लगा, ख़ास तौर से उनकी वेशभूषा के कारण। एक दिन स्वामी जी किसी पार्क में टहल रहे थे, तभी एक अमेरिकन ने उन पर टॉन्ट किया, ये क्या गंवारों जैसे लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं, हमारी तरह कोट पैंट पहना करिए, जेंटलमैन लगेंगे। स्वामी जी मुस्कराए और बड़ी नरमी से बोले, भाई साहब आपके यहाँ टेयर जेंटलमैन बनाता है, हमारे यहाँ कैरेक्टर जेंटलमैन बनाता है। हम कपड़ों से नहीं, किरदार से पहचाने जाते हैं, कैरेक्टर से पहचाने जाते हैं। हम में और आप में ये एक बेसिक डिफरेंस है और इसीलिए हमारी सभ्यता आपकी सोच और समझ से हजारों मील दूर है। स्वामी जी अक्सर कहा करते थे, आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं, यूनिक हैं, ओरिजिनल हैं। आपको यूनिवर्स ने किसी के जैसा नहीं, सिर्फ आपके जैसा बनाया है। अपनी इंडिविजुअलिटी में विश्वास कीजिए और भूल के भी किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए। जिस दिन आप लेफ्ट आउट फील करने के डर से अपने आप को बदल लेंगे, गॉड का बनाया हुआ डिज़ाइन टूट जाएगा और आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। एक बात जो स्वामी जी ने नहीं कही लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ, भीड़ के साथ एक ही शब्द जुड़ता है, भाड़। भीड़ के पीछे चलोगे तो भाड़ में जाओगे, इसलिए नेवर फॉलो ऑलवेज लीड। भीड़ के पीछे मत चलो, कुछ ऐसा करो कि भीड़ तुम्हारे पीछे चले।
स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे। एक दिन पहाड़ की चोटी पर खड़े चारों ओर बिखरी हुई नेचुरल ब्यूटी को निहार रहे थे। अचानक उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो पहाड़ पर चढ़ तो आया था लेकिन उतरने से डर रहा था। वो जब गहरी घाटियों की ओर देखता तो घबरा जाता। स्वामी जी उस बुजुर्ग के पास गए और बड़ी विनम्रता से बोले, आप गहरी घाटियां मत देखिए, सिर्फ अपने पैर देखिए, डर गायब हो जाएगा। बात बड़ी साधारण सी थी, बड़ी मामूली सी थी, लेकिन सुनने वाला समझदार था तो उसने बात का मर्म पकड़ लिया। वो चल पड़ा और फिर एक एक कदम उतरते हुए बड़े आराम से नीचे पहुंच गया। ये अक्सर हमारे साथ होता है। करियर की अंधी दौड़ में हम कई बार अपना फोकस इतनी दूर इम्प्लांट कर देते हैं कि हमारा खुद से ही भरोसा डगमगाने लगता है, हमें खुद पर ही डाउट होने लगता है। स्वामी जी ने कहा, गहरी घाटियां नहीं, अपने पैरों की ओर देखो, यानी एक बार में एक कदम उठाना है बस। लिव वन डे एट अ टाइम, पुट वन ब्रिक इन अ डे। ईश्वर रोज हमें जीने के लिए सिर्फ एक दिन ही तो देता है, तो उस एक दिन में हम 2-4-10 बरस क्यों जीना चाहते हैं? ये तो प्रकृति के बनाए हुए डिजाइन को चैलेंज करना हो गया, और प्रकृति को चैलेंज करके दुनिया में आज तक ना किसी को सुख मिला है ना सफलता मिली है। अरे छोड़िए ये फिक्र कि सपनों का आलीशान महल कैसे बनेगा, आज सिर्फ एक ईंट रख दीजिए काफी है। भूल जाइए ये चुनौती कि आपको पहाड़ जैसा सिलेबस खत्म करना है, सिर्फ 10 पन्ने पढ़ लीजिए और उतार लीजिए अपने मन में, काफी है। क्यों सोचना कि 20 किलो वजन कैसे कम होगा, आज एक दिन अच्छी डाइट करिए, अच्छा वर्कआउट करिए, बस हो गया। लिव वन डे एट अ टाइम, पुट वन ब्रिक इन अ डे, और फिर एक दिन आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सपनों का आलीशान महल खड़ा हो गया, और वो वेट स्केल जो आपको डराती थी आज वही आपको देखकर प्यार से मुस्कुरा रही है। सब कुछ इतना मुश्किल है नहीं जितना हमने अपने दिमाग में बना लिया है। आप गहरी घाटियां देख रहे हैं जबकि आपको सिर्फ अपने पैर देखने चाहिए। अगले 10-20 साल का शेड्यूल बनाने के बजाय सिर्फ एक दिन का 24 घंटे का शेड्यूल बनाइए और अपनी सारी एनर्जी उसी पर झोंक दीजिए। सक्सेस गारंटीड। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। एक दिन किसी पुल से गुजरते हुए उन्होंने देखा कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उनका निशाना चूक जाता और वो फेल हो जाते। स्वामी जी थोड़ी देर खड़े खड़े ये सब देखते रहे, फिर आगे बढ़े और खुद निशाना लगाने लगे। एक के बाद एक उन्होंने 12 बार टारगेट को हिट किया, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। देखने वाले स्वामी जी के इस टैलेंट से हैरान रह गए। जिन लोगों ने उन्हें फिलॉसफी की गहरी गहरी बातें करते हुए सुना था, उनके लिए ये रूप बिल्कुल नया था। किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी क्या आप हर दिन निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं? इतना सटीक निशाना कैसे? स्वामी जी ने एक लंबी सांस ली और बोले, प्रैक्टिस नहीं, फोकस। मैं जो भी करता हूँ 100% फोकस के साथ करता हूँ, इसलिए कभी फेल नहीं होता। आज के इस इंस्टाग्राम युग में हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन लगातार घटता जा रहा है। हमारी एकाग्रता इतनी कम हो गई है कि हम 2-3 सेकंड में रील्स स्क्रॉल कर देते हैं, 10 सेकंड में हम टीवी का चैनल बदल देते हैं, और पल दो पल की मुलाकात में हम सामने वाले को जज कर लेते हैं। घंटों फोकस बनाए रखना तो वो फिक्शनल लगने लगा है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप इंस्टा छोड़ दीजिए या रील देखना बंद कर दीजिए, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिए कि टेक्नोलॉजी आपके दिमाग, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर पर हावी ना हो जाए, क्योंकि सक्सेस का फंडामेंटल रूल है फोकस। जो एकाग्र नहीं हो सकता वो कामयाब नहीं हो सकता। एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट था, एंड्रू कार्नेगी। जब उसने अपना कारोबार शुरू किया तो वो दौर पूरी तरह से ऑफलाइन था, न गूगल, न फेसबुक, न इंस्टा। उस जमाने में अरबों खरबों कमाने में 20 साल लग जाते थे, लेकिन कार्नेगी ने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वेल्थ इकट्ठी कर ली। लोगों को शक हुआ, अमेरिकी सरकार को शक हुआ, तो उन्होंने सेनेट की एक कमेटी बनाई और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर बिना कुछ गलत किए इतनी जल्दी इतना पैसा कार्नेगी ने कैसे कमा लिया। पता चला उसके बिजनेस में कुछ भी गलत नहीं है। कमेटी ने पूछा, फिर आपने इतना पैसा कमाया कैसे, सीक्रेट क्या है? कार्नेगी ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया, मैं किसी भी चीज पर लगातार 5 मिनट तक सोच सकता हूँ, 5 मिनट मैं अपना फोकस जहां चाहूं वहां होल्ड कर सकता हूं। सेनेटर्स को लगा, ये क्या मजाक है, 5 मिनट तक एक जगह पर ध्यान टिकाना कौन सी बड़ी बात है। कार्नेगी ने पूरे सेनेट को चैलेंज कर दिया कि आप 5 मिनट अपना फोकस होल्ड करके दिखाओ। टेस्ट हुए और रिजल्ट ये आया कि एक भी सेनेटर 5 मिनट तो छोड़िए 5 सेकंड भी एक जगह पर ध्यान नहीं टिका पाया। इसके बाद सेनेट कमेटी ने कार्नेगी को पूरे सम्मान के साथ विदा किया
ये है ध्यान और कॉन्सेंट्रेशन की ताकत। ये थे वो जेम्स जो मैंने स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से चुने। अगर आपके मन में कोई और महापुरुष हैं जिनकी ज़िंदगी से आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखिए, मैं अगला वीडियो उन्हीं पर बनाऊंगा। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।